सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टिमफिस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज इतना स्प्लैश इसलिए हो रहा है मेरा क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है तो करूँगी क्या नहीं करूँगी सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिलहाल मैं धीरे धीरे इसलिए बात करूँ, एक बाबू है तो मुझे ढूंढ रहा है। चलिए बिना बाबू के बाद में मिलते हैं आप लोगों से और आज का दिन पूरा एंजॉय करूँगी। अभी सुबह से लेके इतना फोन इतना मैसेज चल रहा है कि क्या बताओ। तो चलिए बाद में मिलते हैं। हाय गोविंदा, हाय गोविंदा, कभी बर्थडे विश करो। आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कभी 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 ना मुझे आवल दे तुम घर कभी हैप्पी बर्थडे कभी कभी ना मुझे घर छाड़ना है वो। जब भी मैं आती हूँ ये आता ही है घर पर, जबरदस्ती बोल रही थी बर्थडे बोलो बोल के। चलिए अभी बात देख रहे। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद घर का काम थोड़ा बहुत करने के लिए लग गई थी मम्मी और मैं। और इतना गर्मी था ना, लेकिन दोपहर से वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा, बारिश भी होना शुरू हो गया था। और ये देखिए गुंडा का हालत, मुझे पता ही नहीं था ये कर रहा है, बल्कि लास्ट में मैंने देखा कि कैमरा देखकर कुछ कर रहा था। मतलब इसके मुंह पर प्लम था तो वही आप लोगों के साथ भी दिखा रहा था कि इसके मुंह में कुछ है बोल के। गाइस अभी आज निरामिष बन रहा है तो यहाँ पर है पनीर मखनी बना रही हूँ और ये दाल तड़का आज दिन के लिए। और यहाँ पर मम्मी साफ कर रही है घर, भाई उधर अचार के लिए काम कर रहा है। और बहुत देर मीटिंग चला कि क्या होगा, क्या आइटम बनेगा, क्या आइटम नहीं बनेगा। तो फाइनल मीटिंग खत्म हुआ, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो भाभी को बुलाया जाएगा, भाभी चिकन बनाएगी और शायद मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी या फिर पुलाव, दोनों में से एक मैं बनाऊंगी और सलाद होगा क्योंकि इतना आइटम नहीं बनाऊंगी, इतना गर्मी है ना, बाप रे बाप हालत ख़राब हो जाता है। और उसके बाद इतना फोन इतना मैसेज है सबको, विशेष सारा और थैंक यू आप सबको प्यार देने के लिए मुझे और मेरा सच में मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए आप सबको बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए और देखते हैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। और हाँ प्लीज़ अगर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने क्या बनाया, नागालैंड में हूँ और बॉयल ना बनाऊँ, ये कभी हो सकता है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को टेस्टी लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे इस तरह का कलरफुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसका स्मेल क्या बताओ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विदाउट बम्बू शूट से बनाया ये मैंने, तब भी मस्त है एकदम। गर्मी में ना इस तरह ही खाना चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का, और वेट लूज भी होता है और स्किन भी परफेक्ट रहता है, ज़्यादा ऑयली खाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है, तो चलिए बाद में बात करते हैं आप लोगों से। तो अभी नहा के आ गई हूँ, अभी पैर छूना है, तो उसके पहले यहाँ पर पूजा दे दिया मम्मी ने। तो लड्डू गोपाल जी यहाँ पर भी आ गए हैं मेरे साथ और ये वाला कपड़ा नया कपड़ा पहना है मैंने, आज पहनना पड़ता है तो ऐसे। तो चलिए अभी पहना प्रणाम, अभी मेरे हस्बैंड का और मम्मी का दोनों का पैर छूते हैं। यहाँ देख सकते हो मम्मी ने पैर उठा दिया, जैसे बोला कि मैं पैर छूने आई हूँ बोल के, लेकिन मम्मी ने उस टाइम में बोला ठीक है जाओ पापा का से पहले आशीर्वाद ले लो बोल के। तो पापा का उधर जाके प्रणाम कर लिया और उसके बाद मम्मी को किया, उसके बाद हस्बैंड को किया। देखिए हम लोग का काम करने वाली मम्मी सब, हम दोनों मिलकर भी काटा लहसुन प्याज छील रहे थे। और देखिए अचानक से इतना वेदर ठंडा हो गया और पूरा हवा चल रहा है और पूरा धूल मिट्टी भी उड़ रहा है अभी। और भाई और मेरे हस्बैंड दोनों गए सुनारी केक लाने के लिए और थोड़ा सा और सामान है वो सब भी लाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है वेदर। तो दिन का खाना तो आप लोगों से शेयर कर ही दिया था क्या क्या बनाया, और नहीं शेयर किया आप लोगों से, दिखाया भी नहीं। तो पनीर बनाया था वो तो आप लोगों को बनाने टाइम में दिखाया था। तो उसके बाद बॉयल भी बनाया, हाँ नाले में आने से बॉयल तो रहता है और भाई को भी बॉयल पसंद है तो इसलिए बॉयल बनाया था। अभी भाभी का इंतज़ार, भाभी आने से चिकन बनाएगा, मतलब हम लोग बॉयलर मम्मी नहीं छूती है तो, और मैं छूती हूँ लेकिन पूरा अजीब लगता है मुझे, इसलिए मैं छूने से मतलब यह होता है मैं खाने नहीं सकूँगी बाद में, तो इसलिए भाभी आएगी तो भाभी बनाएगी। तो हम लोग बस काट कुट के रेडी करके रख रहे हैं। कुकी रख रहे हैं
बहुत अच्छा लग रहा है देखिए हवा। चलिए बाद में मिलते हैं, काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी घर भी फिर से पहुँचना पड़ेगा क्योंकि पूरा इतना जोर सा हवा है ना, पूरा घर गंदा हो गया। अभी बाद में मिलते हैं। गैस अभी बारिश देख के चला गया, देखिए पूरा भीगा हुआ है नीचे और बहुत भयंकर वाला हवा देख के गया था। और भाभी लोग भी आ गया अभी, तो भाभी वहाँ पर चिकन बना रही है और भैया भी कुछ कर रहे हैं। तो अभी भाई लोग आएगा शायद, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी क्या लाते हैं नहीं लाते हैं, कौन सा फ्लेवर, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए अभी देखते हैं पहले भाभी क्या खाती है। तो भाभी यहाँ आके चिकन बनाने के लिए घुस गई थी, और ये दोनों लेंडा पेंडा मैं लेंडा पेंडा इसलिए बोला कि छोटा छोटा है ना, इसलिए बोला। और ये देखिए यहाँ पर बैठा दिया है भाभी ने, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटा लग गया था इसे बनाने में, और भैया यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए मुझे बुला रहे थे। तो यहाँ पर अभी देखिए चिकन पक ही रहा है। मैंने 2 घंटे के बाद आई थी तो उस टाइम ये हालत है, कौशनी पर बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था और टेस्टी भी बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था, भाभी ने बहुत अच्छा से बनाया था। कि बस मैंने नहीं रेडी हुए अभी तक, और भाभी भी रेडी हो गए हो गए, तो मम्मी रेडी हो रही है। भैया जी मेरी मम्मी रेडी हो रही, नहीं दिखाऊंगी 6:30 बज गए अभी तक रेडी नहीं हुई, इसलिए क्योंकि भाई लोग अभी तक नहीं आए हैं, तो सोचा वो लोग आने के बाद ही रेडी होंगे बोल के। मैंने सोचा आ गया गाड़ी का आवाज सुन के। 8 दात्री येती मोटू, ये मेरा केक, ये मेरा बड़े केक है, आप चेहरा देख सकते हैं। मैं इसे बोल दिया मैं क्या करता हूं, मैं तू खाली थे ऐसे ना बाहर और थैंक दुलान कुछ भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। लिखना चॉकलेट तो काली है, ऐसे काली दो और भाल ये आप देख सकते हैं मेरा हाथ काट गया, काटा का है बेटा, भाई मेरा बैंडेज लगा रहा है। गजब बेइज्जती है, प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबा दीजिए। हमारा पति का पेट निकल गया है कितना बदमाश है मेरा भाई, मेरा मिमिक्री कर रहा था। और यहाँ पर ये लोग अभी डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब डेकोरेशन चल रहा है ये लोग का, सबको बिलूम फुलाने में बिजी है और मैं घूम रही थी बस। तो अभी सबको यहाँ पर बैलून फुला है, और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ पर अरे कैसा है टेस्ट, एकदम कीड़ा ये चिकन टेस्ट कर भाभी बनाया हुआ, और इधर कंप्लीट हो गया अभी बनाया हुआ, मम्मी उधर सलाद बना रही है, इधर फुलाया का ज्यादा कम जा रहा है, फट रहा है ज्यादा। हिंदी मेरा एकदम, चले नहा के आते सो गाइस बर्थडे का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप लोगों को ताकि आसानी हो देखने में, बोर ना लगे, तो इसलिए मैं जल्दी से लेके आ रही हूँ केक कटिंग का ब्लॉग। तब तक के लिए वेट कीजिएगा।